ओके यार डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। आज आपकी साइंस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास टेंथ का, हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास टेंथ का एक नेक्स्ट टॉपिक आपका रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा था मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर की प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, उनके यूज कैसे कैसे वो काम करते हैं। अभी हम पढ़ने वाले एक नई चीज को, इसको मिलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है आप मैं इसको बताना चाहेगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ठीक है मैं बताता हूँ यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइट जो होती है, अब देखो इसको पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा मीडियम के बारे में। अब सपोज ये आपका वाटर है और इसके बाहर एयर है, यहां भी एयर है। अब एयर जो है वो काम कर रही लाइक ए वन मीडियम, एयर क्या है सिर्फ एक मीडियम है, और जो वाटर है पानी है, पानी के जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके जो बीच का स्पेस है वो अलग है। यानी कि एयर में और वाटर के बीच में जो लाइट आती है तो वो थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट होगी। वो डेविएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेसिंग, जो जहां से लाइट पार हो रही है उस वो अलग अलग है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का आइडिया सिर्फ इसी बात से लीड करता है कि कोई भी जो रे ऑफ लाइट है अगर वो किसी एक मीडियम से, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर वो किसी मीडियम से, मीडियम वन और ये क्या आपका मीडियम टू, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या बोला मैंने, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। बिल्कुल एक अजीब सा एग्जाम्पल सुन लो आप, कैसा एग्जाम्पल है, आप चल रहे हो बड़े बिल्कुल साफ मौसम है, बिल्कुल एयर आपकी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से धूल भरी आंधी आती है, बहुत भयंकर आंधी आती है या बारिश आती है, तो आपका जो पाथ है आप उस एक्चुअल पाथ पे नहीं चल पाते हो, आप थोड़ा सा बेंड होते हो। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से जो आपका जो पाथ है वो थोड़ा सा आपको रुकावट आ रही है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में जाने पे अगर दूसरा मीडियम जो है वो अच्छा हो, जैसे कि अभी बारिश हो रही है और अचानक से बारिश रुक जाए तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैं बड़ी तेजी से घूमूंगा, कोई बारिश है ही नहीं, तो मतलब अगर मीडियम हल्का होगा, हम यहाँ पे दो टर्म यूज करेंगे मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने के लिए, लेकिन मैं बताया तो यहाँ पे दो मीडियम होंगे, उसको बोलते हैं रेयर एयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर रेयर एयर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम, यानी कि इसको बोलते हैं हल्का मीडियम, रेयर का मतलब लाइटर, डेंसर का मतलब हैवियर। तो कोई भी लाइट अगर लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसी बात से हमारा रिफ्रैक्शन का आइडिया लीड करता है, इफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ओके तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई कि अगर कोई भी लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो अगर मैं इस मीडियम को स्ट्रेच दिखा दूंगा, यहाँ पे आपका एयर है और ये आपका एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, सपोज ये आपका एक्स वाई सरफेस है, नीचे आपका क्या वाटर है, नीचे क्या है वाटर, लाइट किसी एक एंगल से इस तरीके स्ट्राइक कर रही है, लाइट जो है लेट से इस आई एंगल से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे। अब क्योंकि जब एयर से वाटर में जा रही है तो कुछ अभी हमने पार्ट पढ़ा था मीडियम वन मीडियम टू वाला, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी इस तरीके से, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये उस एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो गई। ठीक है बच्चों, ये वाला लेट से ये वाला एंगल आर हो गया, तो जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे अपने पाथ से अलग हट जाती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या होते हैं उसको रिफ्रैक्शन। अब इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कि लाइट किधर जाएगी, पास्ट में जाएगी या दूर जाएगी, इसको डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम जिसको हम हल्का मीडियम बोलते हैं और एक होता है डेंसर मीडियम, हल्का मीडियम होता है डेंसर मीडियम। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई यहाँ पे, क्या कंडीशन आ गई यहाँ पे, दो कंडीशन आ गई,
तो एक होता है हमारा व्हेन लाइट, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर, अगर वो रेयर से डेंसर की तरफ चल रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे एग्जांपल ये होगा कि अर्थ इज रेयर पे किस तरीके से आ रही है एयर से वाटर में, लेट से आपका क्या है वाटर, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ पे ना के वो यहां से ऐसे हो जाएगी, इस तरफ होकर बैंड हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल आपका आर हो गया, और जो आर होगा वो छोटा होगा आई से, ये कंडीशन, ये सफिशिएंट, ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि कोई भी अगर लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रही होगी तो वो इससे अवे चली जाएगी। अब इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, तो व्हेन द लाइट, व्हेन लाइट और रे, रे ऑफ लाइट, रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अब की बार लाइट जो आ रही है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, अब की बार आपका इस तरीके से हो जाएगा, लाइट यहां से आ रही है आपका, यहां पे अब की बार आपका वाटर है, और ये क्या आपकी एयर है, ये क्या आपकी एयर, तो लाइट अगर ऐसे आ रही होगी इस तरीके से, ठीक है, और इससे पास होने के बाद लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी, यानी कि जो इसका एक्चुअल पाथ है वो ये है, और ये अपने एक्चुअल पाथ में नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अगर ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, तो इस बार आर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा आई से, कौन सी कंडीशन में आपका, अगर लाइट मूव कर रही है डेंसर टू रेयर, ठीक है बच्चों। ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, दो इम्पोर्टेंट टर्म हमने यूज कर लिए हैं कि अगर लाइट मूव कर रही है रेयर से डेंसर में और डेंसर से रेयर में, तो लाइट का डेविएशन, ये लाइट का जो मुड़ना है वो किधर की तरफ होगा, ठीक है बच्चों। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे हमारे पास दो वो है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो देखो, अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में बनी रहती है, वो मीडियम को चेंज नहीं करती है। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन द रिफ्लेक्शन लाइट स्टे इन द सेम मीडियम, इन द रिफ्रैक्शन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम यहाँ पे चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। पहला लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, या हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि आपका जो इंसिडेंट रे यहाँ पे बना दिखाते इस तरीके से, लाइट ऐसे आ रही ऐसे मुड़ गई, ये आपका आई है, ये आपका आर है, ये आपका नॉर्मल है, ये ओ है, इसको आपने एक्स वाई मान लिया, ये हो गई, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, जैसे उसमें था पहला आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों तीनों एक ही सरफेस पे, एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही लाई कर रहे हैं, लिखा है तो ये यहां पर टकरा रहा है, यहां से निकल रही है और ये यहां पे ही है। तो यानी कि अगर आपने एक बुक रख ली तो ये बुक से ही पास होंगे, बुक आपकी ट्रांसपेरेंट होगी तो उसी बुक के ऊपर एक आ रहा है, एक जा रहा है और एक वहीं पे वहीं है, यानी कि वो एक ही मीडियम में है, एक ही सरफेस पे है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला होगा आपका फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या होगा आपके, ये वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, दी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दी इज द रेशियो, हम क्या बोलते हैं द रेशियो, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
इज अ कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा वहां पे वो एक कॉन्स्टेंट बन जाएगा। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मेरे को लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट, क्या होते हैं इसको कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझो, इसको हम यहां पर लिखते हैं अभी कि ये लिखा है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से, मान लो ये एंगल है आपका आई और ये एंगल आर है, तो अगर ये एंगल 45 होगा और ये आपका एयर है सिर्फ वाटर में जाने पर, एयर वाटर कॉम्बिनेशन के लिए, एयर वाटर कॉम्बिनेशन के लिए आपका आई और आर का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कैसा होगा आपका सेम होगा। सेम का मतलब क्या होगा, हमेशा अगर वो 45 से जा रही है तो अगर ये 35 से, अगर ये 30 से जा रही है तो हर बार जब भी आप कभी भी आप 45 पे रखोगे तो ये हमेशा 35 ही आएगा या 30 ही आएगा, मतलब कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब क्या होगा कॉन्स्टेंट ही आएगा, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब इसको हम एक नया नाम देते हैं यहाँ पे म्यू, क्या देता हम इसको म्यू, और म्यू पे क्या रहता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं म्यू। और समटाइम आप एनसीईआरटी बुक हो तो वहां पे लिखा होगा आपको एन के नाम से, एन क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बच्चों, बस हमारी अब एक रीजन आता है कॉज, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो सिर्फ आपको इसमें एक ही चीज लिखनी है द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए जो लाइट होती है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि अगर आप देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है, लेट्स से आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में, एयर में कितनी है आपकी स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में वो 3×10⁻¹ है मीटर पर सेकेंड, और वाटर में आगे कितनी हुई वही स्पीड जो आपकी या एयर से किसी और मीडियम में जाके 2×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड हो गई, हमने एज्यूम कर लिया, तो यानी कि आप देखो आपकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई है मीडियम जाने पे, मीडियम में चेंज होने पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस यहाँ स्पीड का अंतर हुआ है इसलिए आपकी जो आपका जो स्पीड है उसमें भी आपका जो मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा आपका, अगर आप देखो ये आपका मीडिया चेंज हो रहा है तो आपका जो पाथ होगा वो बेंड हो जाएगा, जो आपका जो लाइट होगी, अगर मैं इसका एक फॉर्मूला और भी जो हम व्यू को लिखते हैं क्या था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, तो ऑब्वियसली अगर आप देखो यहां पे अगर आपकी स्पीड यहां पे 3×10⁸ है और यहां पे 2×10⁸ होगी तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, जितनी ये वैल्यू आपकी वो होगी उस पर ही फर्क पड़ेगा, यानी कि अगर वो म्यू को देखो वो हो गया आपका सी अपॉन वी, म्यू क्या हो गया आपका सी एफ ऑन वी, तो अब स्पीड ऑफ लाइट एयर में तो फिक्स है आपके 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे अलग है, आप मीडियम चेंज कर दोगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, अब जितना आप डेंसर मीडियम लोगे उसकी वैल्यू उतनी यहाँ पे स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, जितनी स्पीड कम हो जाएगी उतना आपका ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो बढ़ जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या बताया कि लाइट की स्पीड उतनी ही सेकंड मीडियम में कम होगी। ठीक है बच्चों, अब वो जितना कम होगा इसका मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी उस मीडियम में ज्यादा है। ठीक है, बस मारिए, चलिए, तो मैंने ये काफी सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम में कवर की हैं, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, नहीं भी आई होंगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो विद दिस वीडियो वंस अगेन, आप इसको दोबारा प्ले करो और फिर कोशिश करो समझने की इसमें आप क्या क्या टर्म हमें यहाँ पे यूज करें, जैसे मैंने आपको बताया म्यू के बारे में, तो हमने बताया साइन आई अपॉन साइन आर, हमने कहा कॉन्स्टेंट है बट डिपेंड करेगा इस पे स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, अब अगर दोनों मीडियम सेम ही है, हमने कहा भी लाइट से ये लाइट में ही आ रहा है 3×10⁸ है, यहाँ पर क्या 3×10⁸ है, तो म्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया, म्यू कितना आ गया 1, अगर मैंने स्पीड को कम कर दिया अब स्पीड कितनी 3×10⁸ है,
यहाँ पर 1.5 कर दिया तो अब इक्विवेलेंट 2 आ गई। ओवरऑल यहाँ पे देखो स्पीड कम हो गई है लेकिन म्यू की वैल्यू बढ़ गई। कहने मतलब क्या है कि सेकंड मीडियम में जितनी स्पीड कम होगी उतनी म्यू की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और इसका उल्टा क्या लगाया जाता है, वाइस वर्सा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड बढ़ रही है तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कम होती चली जाएगी। अगर कहने का मतलब अगर म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या, जो आपका दूसरा वाला मीडियम जो है वो कैसा मीडियम है, वो डेंसर है लेकिन वहां पे उसकी स्पीड बढ़ रही है। उसकी स्पीड क्या हो रही है वहां पे, मतलब उसकी स्पीड जैसा कि हमने बात की इस तरीके से, अगर हम इसके लिए समझे यहां से ऐसे आ रही है इस तरीके से, तो अगर म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, म्यू की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब इसका उल्टा हो गया, यानी कि अभी जो है स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1, यानी फर्स्ट मीडियम में इसकी स्पीड कम है सेकंड मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा है, तब इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है। ठीक है बच्चों, बस में आ रही है। चलिए तो आई होप आपको ये सारी चीजें कवर हमने, देखो मैंने इसमें आपको बताया, मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन के बारे में, मैंने बताया आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया रेयर मीडियम डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, और मैंने आपको उसको बताया कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्ट इंडेक्स किसकी बातों पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें काफी सारी चीजें बताई हुई हैं और आप आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy your day. Bye-bye for now.